आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 पाठ समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लिखा है रिक्त स्थान में प्रतीक। देखिए ये प्रतीक हमको भरना है और ये वाला, ठीक ना, ये उपसमुच्चय का प्रतीक होता है कि अगर उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। तो देखिए पहला है, एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव 2, 3, 4 दिया हुआ है और यहाँ हमको भरना है इन दोनों में से किसी एक को भरना है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए चूंकि इस अवयव के मतलब इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं, ठीक ना, 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब इसके सभी अवयव इस वाले समुच्चय में उपस्थित हैं, अतः ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो ये उपसमुच्चय का चिन्ह है तो हम यहाँ पर उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा भाग में है, देखिए लिखा है ए बी सी, खाली स्थान है यहाँ पर और यहाँ लिखा है बी सी डी, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी सी इसके तीन अवयव हैं और इनमें से देखिए यहाँ ए है मगर यहाँ ए नहीं है, ठीक ना, बी और सी और बी और सी है मगर ये ए इसमें नहीं है। और चूंकि उपसमुच्चय का परिभाषा ही होता है कि अगर इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर इस वाले समुच्चय में है तो ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। चूंकि ये वाला अवयव इसमें नहीं है तो ये उपसमुच्चय नहीं है। तो थर्ड भाग देखते हैं, इसमें लिखा है, देखिए इधर लिखा है आपके विद्यालय की कक्षा 11 है ना, 11वीं का एक विद्यार्थी, ठीक ना, तो यहाँ एक समुच्चय बन गया है ना, क्लास 11 का विद्यार्थी ये बना लिया और यहाँ खाली स्थान है, फिर यहाँ लिखा है विद्यालय का एक विद्यार्थी, ठीक ना, विद्यालय का विद्यार्थी। तो इसमें देखिए चूंकि देखिए क्लास 11 का जो विद्यार्थी है वो विद्यालय का ही एक विद्यार्थी होगा तो इसलिए ये वाला इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना, ये विद्यार्थी पूरे क्लास विद्यालय का ही विद्यार्थी है, ठीक ना। तो ये चौथा भाग देखेंगे, लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक ना, तो हम यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, एक वृत्त यहाँ है और यहाँ पर है। यक्ष इस प्रकार है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, तो एक इकाई त्रिज्या वाला वृत्त, ठीक ना, तो इसमें देखिए एक वृत्त है तो ये वृत्त छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है ना, बहुत बड़ा भी हो सकता है, मगर इस तरफ जो वृत्त है उसका एक निश्चित है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही होगी या एक इकाई होगी। तो देखिए इसमें इस वाले समुच्चय में कई अवयव हैं और इस वाले समुच्चय में केवल एक अवयव है, मतलब एक ऐसा वृत्त है जिसकी एक इकाई त्रिज्या है, तो इस प्रकार ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए अगला भाग लिखा है, अगर ये चीज उल्टा लिखा होता है ना, एक इकाई वाला त्रिज्या इधर होता और एक वृत्त इधर होता तो ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एक इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है ये इसका उपसमुच्चय हो सकता था या है। अब पांचवें में लिखा है यक्ष इस प्रकार है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक ना, तो एक त्रिभुज बना ली लिख लिया, एक त्रिभुज, ठीक ना, ऐसे लिख लिया और यहाँ पे लिखा है एक आयत, ठीक ना, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है, त्रिभुज अलग चीज होता है, आयत अलग आकृति होती है, तो
तो ये इसका उपसमुच्चय तो नहीं है। सिक्स में है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष किस समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहां देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और इधर है एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज लिख लिया यहां, एक त्रिभुज। तो देखिए इस वाले समुच्चय में निश्चित है कि समबाहु त्रिभुज ही होंगे बस, ठीक ना। ये समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, एक विशेष प्रकार के त्रिभुज इसके अंदर आएंगे, मगर इसके अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो ये वाला इसका ये एक उपसमुच्चय होगा, ठीक ना, क्योंकि इसके सभी अवयव मतलब सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे, इस प्रकार ये इसका उपसमुच्चय है। अब देखिए एक अंतिम है, उसको भी देखते हैं। छठवां भाग में है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु, तो हो गया सातवां। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या है, तो समप्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8, ये होगी। और यहां लिखा है ये एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या होगा, 0, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार, और यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार, ठीक ना। तो देखिए इस समुच्च के अंदर ही ये समुच्च, इस समुच्च के सभी अवयव इस समुच्च में उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 यहाँ पर आपको मिलेगा, आगे 2, फिर यहाँ 8 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, ठीक ना। आगे आप करेंगे तो 5, 6, 7, देखिए 6, 7, 8, 9, 10 ये आया। तो देखिए सभी इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये इसका उपसमुच्चय है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग कर लिया हमने, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो सत्य असत्य लिखना है। देखिए पहला भाग में एक समुच्चय है जिसके ए और बी दो अवयव हैं, और बोलता है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, किसका, बी सी ए का। तो देखिए ए बी इन दोनों के दोनों अवयव इस वाले समुच्चय में उपस्थित होने चाहिए थे। देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, ये बी है, ये बी है, तो इस प्रकार इसके दोनों अवयव इसके उपस्थित है, तो अतः ये इसका उपसमुच्चय है, मगर ये यहां लिखा है कि उपसमुच्चय नहीं है, इस प्रकार ये असत्य है। सेकंड में लिखा है, यहां लिखा है ए ई उपसमुच्चय है, यक्ष सभी यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन स्वर, ए ई आई ओ यू, तो इस प्रकार इसके अभी हमको ये प्राप्त हुए। अब देखिए ए और ई इस समुच के प्रत्येक अवयव यहाँ ए इसमें उपस्थित है, अतः ये वाला समुच इसका उपसमुच है, तो ये सत्य लिखा हुआ है, ठीक ना, तो ये सत्य है। थर्ड में देखते हैं, इसमें 1, 2, 3 तीन अवयव वाला समुच है, उपसमुच है 1, 3, 5 का। तो देखिए ये तीनों अवयव इसमें उपस्थित नहीं है, अतः ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये बोलता है समुच्चय है, ठीक ना, तो इस प्रकार ये असत्य हो गया। चौथा भाग देखते हैं, चौथा भाग में है ए उपसमुच्चय है ए बी सी का। तो इसमें देखिए इस समुच का एक अवयव है और ये इसमें उपस्थित है, अतः ये समुच इसका उपसमुच है, तो ये है सत्य है। पांचवा भाग में है,
एक दो तीन चार पाँच, पांचवा भाग में है ये समुच्चय, ये दिया हुआ है, ये बोलता है इसका अवयव है ए बी सी, ठीक ना। तो देखिए देखिए ये इसके अंतर नहीं है, ठीक ना। देखिए इसका मतलब ये ना, ये पूरा समुच्चय है और ये इसके अंदर नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको ठीक से देख लेते हैं। देखिए अगर मैं ऐसे लिखा होता ये ए, ये अवयव है, अवयव का मतलब होता है कि ये वाला पोर्शन इसका एक सदस्य होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। देखिए ए बी और सी अगर इस प्रकार लिखा होता तो ये देखिए ये वाला, सॉरी सॉरी, ठीक ना। तो देखिए ये जो सदस्य ये चीज है, ये देखिए इस समुच के अंदर एक ये अवयव का, ये अवयव के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह लिखा होता तो ये सत्य होता, ठीक ना। मगर देखिए ये वाला जो है इसका ये अवयव नहीं है, ये असत्य लिखा है, ठीक ना। अगर यही चीज ऐसे लिखा होता ए, ये उपसमुच्चय है ए बी सी का, ठीक ना। तो देखिए इसका ये एक उपसमुच्चय है क्योंकि इस समुच्च के सभी अवयव, मतलब ए इस समुच्च के अंतर है, तो ये उपसमुच्च इसका हो सकता है मगर ये इसका अवयव नहीं हो सकता, ठीक ना। अगर ये अवयव के रूप में लिखना होता तो हम लिखते इसको, देखिए ये जो लिखा है ये देखिए इस समुच्च के अंदर ये एक अवयव के रूप में उपस्थित है, तो अगर ये लिखा होता तो ये सत्य होता मगर ये असत्य है, ठीक ना। और ये इस तरह अगर उपसमुच्च के रूप में लिखा होता तो ये सत्य होता, ठीक ना। मगर हमको ये प्रश्न में ये दिया हुआ था तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर असत्य होगा। अब देखिए इसके बाद अंतिम प्रश्न है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो यहां सम प्राकृतिक संख्या 2 और 4 ही हमको मिलेगी, ठीक ना। और ये लिखा उपसमुच्चय है, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 6 को विभाजित करती है। तो देखिए 36 लिखा है, 36 को विभाजित करती है, तो 36 पूर्ण संख्या 1, 2, 3, ठीक ना, 4 9 36, 6 6 36, 6 7 8 9 4 36, 10 11 12 3 36, 18 2 36 और एक संख्या स्वयं 36, ठीक ना। तो इसमें देखिए इस समुच्च के दोनों अवयव इसमें उपस्थित हैं, ये अतः ये समुच्च इस समुच्च का उपसमुच्चय है, तो इस प्रकार ये सत्य हो गया। तो देखिए इसके 6 भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में है, मान लीजिए ए एक समुच्च दिया हुआ है जिसके अवयव 1 से लेकर 1 2 3 4 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो देखिए पहला नंबर है 3 4 उपसमुच्चय है ए का, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम इस समुच्चय को देखते हैं, इस समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव हैं वो देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत 1 2 और ये पूरा, ये जो पूरा लिखा हुआ है 3 और 4, ये एक पूरा इसका एक अवयव है, ठीक ना। और एक ये 5 है। अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसमें से इसको निकाल कर यहाँ रखे हैं, ठीक ना। तो ये पूरा ऐसे, अगर इसको मैं बात करूँ 2 को, देखिए यहाँ 2 मैंने यहाँ से उठाया यहाँ लिख दिया, तो ये 2 इसका ये एक अवयव है ए का, ठीक ना। इस एक समुच्चय ए का ये 2 अवयव है, ठीक ना। इसी प्रकार अगर मैं इसको उठा कर रख लूँ यहाँ पर, तो देखिए ये 3 4, ठीक ना, ये इसका अवयव है, ठीक ना, ये ए का अवयव है। अब देखिए अगर उपसमुच्चय की बात करें तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिए इसका एक ये अवयव है, अब देखिए अगर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक ना, तो ये होगा ए का, मतलब ये एक समुच्चय है, ठीक ना, ये एक समुच्चय है।
क्योंकि हमने इस ए के अवयव का एक दो को लिया और इसका एक समुच्चय बनाया, तो ये उपसमुच्चय है ए का, क्योंकि इस समुच्चय का जो दो अवयव है ये समुच्चय ए का एक अवयव है, ठीक ना। तो इसलिए इस समुच्चय का जो भी अवयव हो अगर ए में उपस्थित है तो ये समुच्चय एक ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर इसको लिखें तो ये ना एक ये पहले समुच्चय है मगर इस एक समुच्चय का उप ये अवयव की तरह है यहाँ पर, ठीक ना। ये समुच्चय इसके अंतर्गत ये एक अवयव है, तो ये एक अवयव है ना कि ये एक उपसमुच्चय है, ठीक ना। तो ये मतलब ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, देखिए इसको या तो ऐसे लिखिए तो सही है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए 3 4, ठीक ना, तब ये उपसमुच्चय है ए का, ठीक ना। तो ये जब कभी समुच्चय बनाते हैं तो समुच्चय के लिए ये मझला कोष्टक लगाते हैं, तो ये इसका एक अवयव था और अब हमने जब इसका ये मझला ब्रैकेट लगा दिया तो ये इस ये हो गया एक पूरा समुच्चय हो गया, इसका समुच्चय का ये एक अवयव है। तो इसका मतलब इस समुच्चय का ये अवयव इस ए में एक अवयव है, ठीक ना। इसलिए अब ये बना उपसमुच्चय ए का बना, ठीक ना। तो इसलिए ये वाला 3 4 ये इसका अवयव है, ठीक ना, अवयव है, इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो लिखेंगे इसमें यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, ठीक ना, ये इसका अवयव है। तो ये हो गया। तो दूसरा भाग देखते हैं आप, यह सत्य नहीं है। अब इसके बाद देखें 3 4, देखिए ये लिखा है 3 4, देखिए ये अवयव है ए का। तो ये देखिए हमने बताया तो ये इस हिसाब से ये सही है, ठीक ना, ये एक अवयव है ए का, तो ये अवयव है ए का, तो ये सत्य है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में है ये देखिए, ये ब्रैकेट लगाया फिर ब्रैकेट लगा के 3 4 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बंद, उपसमुच्चय है ए का, देखिए ये भी बनाया, ठीक ना। तो ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक ना, क्योंकि इस समुच्चय का ये जो अवयव है ये पूरा ये ब्रैकेट ये पूरा अवयव है ना, ये एक अवयव है, ये इस ए वाले समुच्चय का एक अवयव है, मतलब इसलिए ये वाला ए का उपसमुच्चय होगा, तो यह सत्य है। चौथा भाग देखते हैं, ए अवयव है ए का, तो देखिए ए इस समुच्चय का एक अवयव है, तो ये सत्य है। पांचवा देखते हैं, पांचवा में है एक उपसमुच्चय है ए का, तो ये गलत है। और देखिए समुच्चय और अवयव कैसे पहचान में आता है, अगर ये एक लिखा हुआ है, ठीक ना, इसमें अगर कोई ब्रैकेट मझला ब्रैकेट नहीं है, कोष्टक नहीं है, तो ये एक अवयव है, ठीक ना। और अगर इसमें ऐसे लिख दें, ठीक ना, तो ये एक समुच्चय हो गया, ठीक ना। तो ये समुच्चय का जो भी अवयव है एक अवयव है, क्या ये इसके अंतर्गत है, तो देखिए इस समुच्चय का अवयव ए समुच्चय में एक अवयव है, तो इस हिसाब से ये वाला सही है, ठीक ना, इस समुच्चय का ये ए का उपसमुच्चय है, मगर ए एक का उपसमुच्चय नहीं है, ये एक अवयव है, इसलिए ये असत्य है, ठीक ना। तो ये असत्य हो गया। इसको छठवां भाग देखते हैं, इसका लिखते हैं 1 2 5, उपसमुच्चय है ए का। तो उपसमुच्चय कब होता है, जब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होना चाहिए। तो देखिए 1 2 5 1 2 5, तो इसमें इसका प्रत्येक अवयव ए समुच्चय में है, इसलिए यह सत्य है। अब सातवां ये देखते हैं, सातवां में है
एक दो पांच अवयव है ए का। तो देखिए ये पूरा एक समुच्चय है, ठीक ना, जब मझला कोष्ठक में डाल दिया तो ये एक समुच्चय है, तो समुच्चय ए का अवयव नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, ये पूरा इसके अंतर्गत कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये असत्य है, ठीक ना। सत्य क्या होता, अगर मैं देखिए ये देखिए जो लिखा है एक दो पांच, ये उप समुच्चय है ए का, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक दो पांच अवयव है ए का, ठीक ना, तो ये सही है फिर देखिए, ठीक ना, तो एक दो पांच, एक दो पांच अवयव है ए का, ठीक, या तो लिखिए एक दो पांच, ये जो उप समुच्चय है ना, ये पूरा समुच्चय हो गया, समुच्चय है ए का, ठीक ना, तो ये असत्य हो गया। एक दो तीन उप समुच्चय है ए का, तो देखिए इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर ए में है तो ये उप समुच्चय होगा ए का, तो चेक करते हैं, एक है, दो है, तीन, यहाँ तीन नहीं है, ठीक ना, तीन ये पूरा एक अवयव है, ठीक ना, तो इसके अंदर देखिए ये वाला लिखा हो और ये तीन ये अलग लिखा हुआ है, ठीक ना, तो इसलिए ये असत्य है, ठीक ना, एक दो तो अवयव है मगर तीन इसका अवयव नहीं है, तो ये हो गया। नौवां भाग देखते हैं, नौवे में है रिक्त समुच्चय, फाइ अवयव है ए का, ठीक ना, तो फाइ अवयव है ए का, तो देखिए इसके अंतर्गत ये जो लिखा हुआ है, ठीक ना, ये क्या इसके अंदर है क्या, ठीक ना, तो ए का अवयव है, तो मतलब ये फाइ इसके अवयव के रूप में है, कहीं लिखा हुआ है क्या, तो नहीं, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके अंतर्गत दसवां भाग है, फाइ उप समुच्चय है ए का, ठीक ना, तो अब देखिए फाइ उप समुच्चय है ए का, तो जैसे हमने बताया था फाइ प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, ठीक ना, इसीलिए हमने पॉइंट लिखवाया था, आप इसको प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए ये इससे सत्य हो गया, ये सत्य है, ठीक ना, पाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ग्यारहवां भाग है, ये उप समुच्चय है ए का, मतलब ये एक ऐसा समुच्चय है जिसका एक अवयव फाई है, तो क्या ये इसका उप समुच्चय होगा, तो इसका मतलब ये जो फाई है, मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में प्राप्त होना चाहिए, तो हम इसका अवयव जो फाई है इसको हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये फाई इसके अंतर्गत है, तो हमें पता चला ये नहीं है, तो इसलिए ये समुच्चय इसका एक उप समुच्चय नहीं है, तो ये हो गया असत्य। इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। प्रश्न नंबर चार, इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला है, देखिए एक समुच्चय है जिसका एक अवयव है, तो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय, समुच्चय होता है, देखिए इसके अंदर होता है, पहले ये एक लिख लिया, ठीक ना, एक अवयव है इसलिए एक अवयव इसके उप समुच्चय ए आ गया, और एक फाई होता है, ठीक ना, तो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय पाई फाई होता है, तो इस प्रकार ये दो उप समुच्चय प्राप्त हो गए। अब इसका दूसरा भाग है ए बी, तो इनके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, तो देखेंगे पहले हम ए को ले लेंगे, फिर बी को ले लेंगे, और इन दोनों को ले लेते हैं ए बी और एक फाई। तीसरा भाग देखते हैं अब इसका, तीसरे भाग में है एक दो तीन, ठीक ना, तीन अवयव हैं तो इसके उप समुच्चय बनेंगे,
पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर इन दोनों को एक दो को ले लेंगे, एक दो, फिर एक तीन, फिर दो तीन, फिर ये पूरा एक दो तीन, तीनों को ले लेंगे। तो ये लिख लिया एक दो तीन और एक फाइव। तो इस प्रकार तीसरा भाग हो गया। अब चौथा भाग में है, एक फाइव है, ठीक ना। तो इसका फाइव का उपसमुच्चय फाइव हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये सबका उपसमुच्चय हमने लिख लिया। अब देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है कि कोई भी अगर कोई समुच्चय दिया हो तो उनके अवयवों को देखकर इनके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस समुच्चय में अवयव कितने हैं, एक, तो उपसमुच्चयों में अवयवों की संख्या दो के घात एक होगी। इसका मतलब ये दो, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, यदि किसी समुच्चय में, जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर n हो, है ना, n अवयव हो, तो इनके उपसमुच्चयों की संख्या, तो यहां लिख देते हैं हम, यदि समुच्चय में, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो उनके उपसमुच्चयों की संख्या बराबर दो के घात n होती है, ठीक ना। तो इसमें देखिए, इस समुच्चय में एक अवयव है, इसलिए हमने लगा दो के घात एक लगाया था। इस प्रकार दो अवयव, दो उपसमुच्चय प्राप्त हो गए। देखिए, एक और एक, दो दो हो गए। इसी प्रकार अगर इसमें उपसमुच्चय में चेक करें, देखिए इसमें कितने अवयव हैं, एक और दो, तो हमें इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा देखिए दो के घात दो बराबर दो गुणे दो मतलब चार। तो देखिए एक दो तीन चार, ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, तो देखिए इसमें अवयवों की संख्या तीन है, तो हमें लिखेंगे दो के घात तीन मतलब दो गुणे दो गुणे दो बराबर आठ। तो इसमें देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये हमको आठ प्राप्त हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें फाई, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, है ना। या तो इस फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना, मतलब खाली है ये। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, शून्य है, है ना, एक भी अवयव नहीं है, इसलिए इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, देखिए दो के घात शून्य, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या शून्य है, तो दो के घात शून्य, तो किसी की भी घात अगर शून्य हो तो हमको एक प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ उपसमुच्चय एक ही है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार हो गया। अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पांच में है, लिखा है पी ए के कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, है ना। इसमें पी ए का अवयव ज्ञात करना है। यदि, तो लिखा है यदि ए बराबर फाइव, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक ऐसा समुच्चय दिया है जिसमें अवयवों की संख्या शून्य है, ठीक ना। फाई का मतलब शून्य होता है या रिक्त समुच्चय है, तो इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो हमको पी ए, तो देखिए पी ए क्या होता है, तो हम इसको लिख देते हैं पी ए क्या होता है। पी ए होता है समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है, समुच्चयों का समुच्चय जिसे समुच्चय है लिख देते हैं, है होता है, जिसे
घात समुच्चय कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। इसको पी ए से प्रकट करते हैं, ठीक ना, जो पी ए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं इसको हम। देखिए, एक अगर हम अव्यय ए लिए हैं, ए में यहाँ हमने दो इसके अवयव लिए, एक समुच्चय जिसके दो अवयव हैं, तो हम यहाँ पर पी ए क्या लिखेंगे, तो पी ए क्या होता है, देखिए ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है ये, ठीक ना। तो हम एक पी ए एक समुच्चय बनाएंगे, ये एक समुच्चय बनाया, अब इसके इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे इसको इसके अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए, इसका एक उप समुच्चय बनेगा एक, फिर ये दो बनेगा, फिर ये एक और दो बनेगा, और एक फाइव होता है। ये ए के चार उप समुच्चय आए, इनको हम एक समुच्चय के अंतर्गत डाल देंगे, ठीक ना। जैसे हमने मझला कोष्ट लगाया तो ये एक समुच्चय बन गया, और समुच्चय के अंदर ये जो एक दो तीन चार लिखे हैं ये इसके उप समुच्चय हैं। तो इसका मतलब पी ए क्या हुआ, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का ये समुच्चय है, ठीक ना। अब बोला है कि इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एन पी ए ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें अगर इसका देखें तो यहाँ पर कितने, एक दो तीन चार, तो ये चार अवयव हमको प्राप्त हो गए, ठीक ना। अब देखिए, इसमें अगर सूत्र भी लगाएं तो यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या एन है, तो देखिए यहाँ एन कितना है, यहाँ पर हमको एन बराबर चलिए दो मान लिया है ना, दो दिया है, तो इनके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो के घात एन, मतलब दो के घात एन बराबर, यहाँ एन का मान दो है तो यहाँ हम रखेंगे दो के घात दो बराबर चार। तो देखिए, चार अवयव प्राप्त आए हमको, तो पी ए का मान चार आ गया, पी ए में चार अवयव हैं, तो ये सही है। अब देखिए, हम ये क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, इसमें रिक्त समुच्चय मतलब एक भी अवयव नहीं है, तो हमको यहाँ पर पी ए क्या प्राप्त हो जाएगा, पी ए बराबर, पी ए में कितने हो जाएंगे, देखिए रिक्त समुच्चय है, अगर हम इसके उप समुच्चय बनाए, ठीक ना, तो रिक्त समुच्चय का कम से कम एक उप समुच्चय तो ये फाइव बनेगा ही, ठीक ना। तो देखिए, जैसे यहाँ एक दो थे अवयव, तो हमने इन सबों को बनाया और एक फाइव भी लगाया, ठीक ना, क्योंकि फाइव प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता ही है। तो जब हम इस रिक्त समुच्चय का एक उप समुच्चय बनाएंगे तो एक फाइव मिलेगा, और इसको हम इसके अंदर कोष्टक में डाल देंगे, तो ये इसका पी ए का मान ज्ञात हो गया। तो अब देखिए, पी ए में कितने अवयव प्राप्त हो गए, एक आया, इस प्रकार पी ए में अवयवों की संख्या एक है, ठीक ना। तो एक आंसर एक में आया, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल हमने बताया था बस, ठीक ना, और ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय को याद रखिएगा। तो इसमें किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या हम बहुत ही जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर पाँच हो गया, अब प्रश्न नंबर छः देखते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर छः में इनके अंतराल को लिखना है। तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे इनको, देखिए इसमें यक्ष का मान है ना, वास्तविक संख्या, इसमें यक्ष का मान कहाँ से है, देखिए यक्ष का मान बड़ा है माइनस चार से, ठीक ना, ठीक ना, मगर देखिए चार के बराबर नहीं है, ठीक ना, बराबर नहीं है, चार से बड़ा है, मतलब चार को शामिल नहीं करना है, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, तो इसको लिखेंगे विवित्र अंतराल है, देखिए विवित्र अंतराल, ठीक ना। मगर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ छः को भी लिया गया है ना, यक्ष छोटा है मगर बराबर है, तो देखिए आधा खुला है आधा बंद है, तो लिखेंगे अर्ध विवित्र अंतराल, ठीक ना, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, ठीक ना, या कह सकते हैं अर्ध संवृत अंतराल, अर्ध संवृत अंतराल, है ना, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक ना। इसका मतलब या तो कह सकते हैं इसको आप आधा खुला है या आधा बंद है,
ठीक ना, जब यहाँ इस अगर माइनस चार को भी शामिल किए होते तो ये बराबर, मतलब बराबर का भी चिन्ह लगा होता यहाँ पर। और ये देखिए x छोटा है मगर बराबर है 6 से, तो इसका अंतराल लिखेंगे। देखिए एक तरफ ये ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल लिया कहाँ से, माइनस चार से, ठीक ना। और यहाँ पे बराबर है 6 के, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, तो ये हो गया 6 का, ठीक ना। क्लोज इंटरवल इस प्रकार लिखते हैं, ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट से दिखाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न का ये हल हो गया। देखिए इसमें देखिए सेकंड में देखिए इसमें लिखा है x बड़ा है 12 माइनस 12 से और x छोटा है माइनस 10 से, मतलब ये दोनों इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार ये विविध अंतराल है, ये विविध अंतराल, ठीक ना, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक ना। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए दोनों तरफ खुला है तो इसको ब्रैकेट ये छोटा कोष्टक दिखाते हैं, ये लिखेंगे माइनस 12 और ये माइनस 10, तो ये ओपन इंटरवल है ये। अब इसमें देखिए एक तरफ बराबर लगा है तो मतलब ये क्लोज इंटरवल है, और ये केवल माइनस मतलब 6 से छोटा है तो ये क्लोज ओपन इंटरवल है, तो ये भी अर्धविविध अंतराल कह सकते हैं या अर्धसंविद अंतराल कह सकते हैं, ठीक ना। एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है, तो ये बंद है तो इसको ऐसे लिखेंगे 0, और ये लिखेंगे ये ओपन इंटरवल है तो इसको ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाएंगे ये 7 से, ठीक ना। तो ये हल हो गया। अब देखिए इनमें देखिए दोनों बराबर है, क्लोज्ड इंटरवल है ना, यक्स बड़ा है बराबर के 3 से और छोटा है बराबर है 4 से, तो क्लोज इंटरवल है तो लिखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक ना, बड़े ब्रैकेट के संग 3 और ये 4 लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं संवृत अंतराल, इसको बोले क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब हम इसमें 3 को भी शामिल करेंगे और 4 को भी शामिल करेंगे, ठीक ना। इसमें केवल 2 को शामिल करेंगे, इसको 7 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ओपन, यहाँ माइनस 12 और माइनस 10 को शामिल नहीं करेंगे, इसके बीच की संख्या को शामिल करेंगे, इसलिए ओपन इंटरवल, ठीक ना। विविध अंतराल लिखा हुआ है, इसमें 4 को ओपन और 6 को क्लोज्ड में है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। देखिए इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए देखिए ये ओपन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4 और ये 6, ठीक ना। ये क्लोज्ड है और क्लोज का इसका उल्टा क्या होगा, इसको उलट देंगे, ठीक ना। देखिए जैसे अगर ये क्लोज्ड है तो इसको ओपन लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये ओपन हो गया तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर ये ओपन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपन माइनस 12 माइनस 10, ये हो गया ओपन। ये देखिए यहाँ ये क्लोज्ड है 0 और ये 7 ओपन हो गया, और देखिए ये दोनों क्लोज्ड है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो देखिए इसमें है, देखिए ये ब्रैकेट शो करता है, दिखाता है कि ये विविध अंतराल में है, ये विविध अंतराल, ठीक ना, मतलब ओपन इंटरवल में है, ये ओपन इंटरवल मतलब ये खुले हैं, मतलब आप माइनस 3 और 0 को शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे यक्स इस प्रकार है कि यक्स अवयव है वास्तविक संख्या का और यक्स बड़ा है माइनस 3 से और छोटा है 0 से, ठीक ना। तो मतलब हम माइनस 3 और 0 को शामिल नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ बराबर के चिन्ह नहीं लगाए हैं, तो ये विविध अंतराल का है। अब देखिए दोनों क्लोज्ड है, मतलब ये वाला ब्रैकेट संविध अंतराल को दिखाता है, मतलब क्लोज इंटरवल दिखाता है, मतलब इसमें हम 6 और 12 को भी शामिल करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए ये है संविध अंतराल है, ये संवित अंतराल क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, यक्स इस प्रकार है कि यक्स अवयव है आर का
और यक्स बड़ा है बराबर है 6 से, ठीक ना, इसको शामिल बराबर करेंगे, और छोटा है बराबर है 12 से। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया। अब इसमें देखिए यहाँ एक ओपन और यहाँ क्लोज्ड, ठीक ना, तो मतलब इसमें कह सकते हैं कि आधा खुला है या आधा बंद है। तो इसको लिखते हैं अर्ध विवित्र अंतराल, ठीक ना, या अर्ध संवित अंतराल, ठीक ना, तो इसको सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक ना, ये ऐसे अंतराल हैं। तो इसका हम लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं यक्स इस प्रकार है कि यक्स अव्यूह है आर का, और यक्स देखिए इसमें ओपन है इसलिए बराबर 6 और एक क्लोज्ड है, तो यहाँ लिखेंगे छोटा है बराबर है 12 से, ठीक ना। तो इसका हो गया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, -23.5 यहाँ लिख देते हैं, -23.5, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या है, इसको भी कहिए कि एक तरफ बंद है क्लोज्ड है और एक तरफ ओपन है, तो इसको बोलेंगे अर्ध संवृत अंतराल या अर्ध संवृत अंतराल, ठीक ना, सेमी ओपन ओपन हो गया या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको अगर अंतराल लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो देखिए यक्स इस प्रकार है कि यक्स अव्यूह है आर का, और यक्स बड़ा है बराबर है -23 से, और छोटा है 5 से, ठीक ना। तो इस प्रकार इनके हमने समुच्चय निर्माण रूप लिख लिए। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तापित करेंगे, ठीक ना। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक ना। तो इसका मतलब देखिए हम एक ऐसा सेट बनाएं, ऐसा समुच्चय लिखें जिसके अंतर्गत ये दोनों समुच्चय इसके उप समुच्चय की तरह काम करें, ठीक ना। ये ऐसा समुच्चय बनाएं जिसका ये उप समुच्चय हो या ये उप समुच्चय हो, मतलब वो बड़ा सा सेट हमको समुच्चय बनाना है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, मतलब हमको यहाँ ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जो केवल समकोण होंगे, ठीक ना, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो देखिए ये हो गया, देखिए ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आकार में परिवर्तन होता रहेगा मगर इसका एक कोण समकोण होगा। तो ऐसे सभी त्रिभुजों का समुच्चय है ये, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें है सम दुई बाहु त्रिभुज, मतलब इसमें ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जो केवल इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हम एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखें जिनमें इन दोनों का ये उप समुच्चय की तरह हों। तो देखिए हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक समतल पर स्थित एक, ऐसे लिखते हैं यक्स इस प्रकार है समतल पर स्थित एक त्रिभुज है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमने ऐसा समुच्चय लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज अंतर्गत होते हैं, ठीक ना, इसके अंतर्गत सभी त्रिभुज अंदर होंगे इसके। तो इसमें देखिए त्रिभुज में ये एक प्रकार का त्रिभुज है, तो ये वाला भी समुच्चय इसका उप समुच्चय होगा, और ये भी एक प्रकार स्पेशल प्रकार का त्रिभुज है जिसकी केवल दो भुजाएँ बराबर हैं, तो इसके ये वाला इसका ही उप समुच्चय होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है, केवल सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय है। इसके अंतर्गत ये एक सम दुई बाहु त्रिभुज एक प्रकार का त्रिभुज है, मतलब ये इसका उप समुच्चय होगा, इसलिए ये है हो गया हमको यूनिवर्सल सेट हो गया जो दोनों के लिए सूट कर गया, ठीक ना। देखिए प्रश्न नंबर 9 है जिसमें समुच्चय ए दिया हुआ है, इसके अभी 1, 3, 5 हैं, बी दिया है जिसमें 2, 4, 6 हैं, और सी में 0, 2, 4, 6, 8 हैं। इसके बोला है कि इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट हमको खोजना है, यूनिवर्सल सेट खोजना है।
ठीक ना, मतलब ऐसा सेट जिसके जिसके ये सभी उप समुच्चय होंगे, ठीक ना, या इनके सभी अवयव उस सेट में आने चाहिए। तो हमको क्या करना है, हम सभी समुच्चयों को एक संग लिख कर एक बड़ा सा सेट बना लेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा, पहले हमने इसके समुच्चय लिख लिया, एक, तीन, पाँच, दो, चार, छः, दो, चार, छः, फिर शून्य है, शून्य लिख लिया, फिर दो का पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, चार, छः का भी नहीं करेंगे, ये आठ लिख लिया, ठीक ना। तो देखिए मिला लेते हैं, देखिए शून्य है, यहाँ भी शून्य है, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, यहाँ भी पाँच है, छः, यहाँ भी छः है, सात, ये आठ है, ये आठ है, ठीक ना। इसके मतलब ये जो समुच्चय है इसके अंतर्गत ये सभी उप समुच्चय बन सकते हैं, क्योंकि इन सबों के प्रत्येक अवयव इस समुच्चय के अंतर्गत हैं, अतः यही वाला यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।